Good running between the wicket, Mr. Nikhilesh. So one round extra given to the team JK Business School. They are doing great. ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन पर जेकेबीएस टीम बड़ी ही अच्छी रन रेट से खेलते हुए बल्लेबाज यहां पर 6 रन प्रति ओवर की रन रेट है। पहले ही ओवर में उम्दा प्रदर्शन दिखाते हुए बल्लेबाज जेकेबीएस के, गेंदबाज जीआईटीएम के भी कुछ कम नहीं लग रहे। बड़ी ही सदी हुई बॉलिंग करी है मुकेश, क्यों क्या कहते हैं? मैंने जैसा कहा था कि आज तेज गेंदबाज काफी अच्छा रन दिखाएंगे। सो फर्स्ट ओवर की शुरुआत आई थिंक तेज गेंदबाज के थ्रू करी है उन्होंने। एंड दूसरे ओवर की पहली गेंद फुल टॉस एंड इट वेंट टू अ बिग फोर। इट वॉज अ नो बॉल डिक्लेयर्ड बाय लेग अंपायर एंड टू रन्स इज गिवन टू जेके बिजनेस टीम। This is Sachin on the strike, second ball of second over. Nine runs total for JK Business School. Sachin on the strike, second ball of this over. This catch, it was a really good catch. And it's an overthrow. What a beautiful running between the wickets. There is a great combination between and the runners. Give them a big round of applause, buddy, because it's really a hot day and they were really doing well on the grounds. Good running between the wickets. यहाँ पर बहुत ही भाग्यशाली रहते हुए बल्लेबाज, इनका कैच छोड़ा गया है विकेट कीपर से। काफी सुरक्षात्मक ढंग से खेल रहे हैं मिस्टर सचिन। एंड अभी मैच की स्थिति कुछ इसी तरह है कि उन्हें इस तरह की स्ट्रैटेजी लेते हुए खेल को आगे बढ़ाना होगा। काफी गर्म दिन, बट क्यों ना हो मुकेश, बट ऐसा नहीं लगता कि बहुत ही धीरे खेल जा रहा है मैच, क्योंकि 8 ही ओवर का है, केवल 8 ओवर। ये तो T20 का भी T8 है, ये तो T20 एंड T8। कैच इज अ फेलियर, अंपायर डिसीजन इज टू बी रिमूव। इट वॉज नॉट टर्स बाय द एंड आउट इज गिवन एंड एट लास्ट इट वॉज गिवन आउट बाय द एम्पायर। सो फर्स्ट विकेट डाउन, मिस्टर सचिन इज मूविंग टू द पवेलियन। Let's see that who is the second striker. Mr. Ram Prakash Gwala has been sent by the captain to bat on the number 3 position. So after all, it was a good over by GITM. Mr. Ram Prakash Gwala on the strike. Ram Prakash settling down on the ground. First ball of this match to him. He needs to check on the ball that how it is moving and all, and it will take some time. Not a problem. It was an easy spray to get Mr. Sachin. He is really a good all-rounder. And now Mr. Ram Prakash Gwala on the strike. He really hit it on the mid wicket, and one run is taken by Mr. Ram Prakash. Mr. Nikhilesh again on strike, and after
and this is how Ram Prakash has opened his score. Captain bowling to the JKBS team. What a beautiful ball. Beautiful bowling. But it was really a nice attempt by the wicket keeper behind the wickets. And after this ball, at the end of 2 overs, 12 runs with the loss of 1 wicket. Repeating, 12 runs with the loss of 1 wicket after the end of 2nd over of this first match of Inter-College Cricket Tournament. JKBS की टीम अपनी 6 प्रति ओवर की रन रेट बनाए रखे हुए है। बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग स्टाइल के साथ बॉलर आए हैं पिच पर और आते ही एक रन से स्वागत किया है JKBS टीम ने उनका। राम प्रकाश वाला अच्छी तकनीक का मुजाहरा करते हुए ग्राउंड पे एंड पहली बॉल 3rd ओवर की 13 रन। मुकेश आप देख ही सकते हैं हमारे क्रिकेट मैच के लिए ऑडियंस कहां कहां चढ़ के बैठी है। कुछ लोग छत पे चढ़ के बैठे हैं, कुछ लोग सीढ़ियों पे बैठे हैं। बड़ी मुश्किल से उनको सीट मिली है लगता है। काफी बुरी तरीके से बीट किया मिस्टर निकलेश को। यहां पे दर्शक टीम का उत्साह बढ़ाते हुए काफी अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन करते हुए फ्लिक किया है इसे और 1 रन ओवरथ्रो। पर बल्लेबाज को नहीं लगा कि 1 रन लेना उचित रहेगा। ठीक भी है मुकेश कि इस स्टेज पर इतना रिस्क भी नहीं लेना चाहिए। काफी तेज बॉल और उसको अच्छी तरीके से फ्लिक किया था मिस्टर निकलेश ने। 4th बॉल इस ओवर की एंड अंपायर का इशारा ना की तरफ एंड आफ्टर दिस बॉल 15 रन्स विद द लॉस ऑफ 1 विकेट जेके बिजनेस स्कूल। अतिथि टीम होस्ट टीम पर प्रेशर डालते हुए बार बार अपील करके बट होस्ट टीम भी बिल्कुल अपना उत्साह बढ़ाए रखे है और ये वाइड का इशारा अंपायर का 1 रन। बाय का इशारा। काफी तेज गेंद करना चाहते हैं गेंदबाज और कभी कभी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है उन्हें। कोई नहीं बॉलिंग पे काफी और इस तरह अपनी अगली गेंद को ठीक मिडिल स्टंप पे दागा और इस तरह राम प्रकाश वाला अपना देते हुए एंड इस तरह स्कोर कोड बढ़ रहा है 3 ओवर की समाप्ति पर और 2 आउट विद लॉस ऑफ 2 विकेट्स। ये छोटे कच्चे जरूर है बॉलर बट बहुत ही उम्दा तरीके से बॉलिंग करते हैं। इनकी आपने लाइन और लेंथ देखी है, बिल्कुल सदी हुई लाइन और लेंथ के साथ कंसिस्टेंट बॉलिंग कर रही है। मैंने आपको पहले ही कहा था इस इनिंग के शुरुआत में कि आज तेज बॉलर का दिन होगा एंड यू कैन सी दैट हाउ द पीपल आर टेकिंग अवे दिस मैच। सो वी स्टिल नीड टू लुक दैट हु विल बी प्लेइंग एट द वेरी 4th पोजीशन फ्रॉम जेके बिजनेस स्कूल। बल्लेबाज स्ट्राइक पे आते हुए टीम को इनसे काफी उम्मीदें होंगी क्योंकि 2 विकेट बहुत ही जल्दी गिर चुके हैं। मिस्टर राजीव रंजन वाइड बॉल वाइड का इशारा अंपायर का। यहां पर अंपायर कुलवंत सिंह जी काफी कोशिश कर रहे हैं गेंदबाज अपनी लाइन और लेंथ को मेंटेन करने के लिए बट एज इट इज अ वेरी सनी डे ही रियली नीड्स टू कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज लाइंस। लेट्स सी राजीव रंजन क्या नया कर पाते हैं इस बैट के साथ। सो आफ्टर द एंड ऑफ 3 ओवर्स इट इज 17 रन विद द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। दोनों बल्लेबाज आपसी में बात करते हुए कोई तोड़ नहीं निकाल पा रही है JKBS टीम GIITM का। 6 रन से भी कम की रन रेट हो गई है इस समय। बॉल ऊपर उड़ते हुए और ये कैच कभी लड़े कैच छोड़ दी है।
अगर GITM ऐसी ही कैचेस छोड़ दी रही तो इनका जीतना बहुत बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आपको सिक्के के दूसरे पहलू पे भी ध्यान देना होगा, ये एक बहुत ही सनी डे है एंड इट्स वेरी टफ टू टेक कैचेस इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, सो नथिंग गोज अगेंस्ट द प्लेयर्स। बट ये दूसरी कैच है जो GITM वालों ने छोड़ी है, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है GITM वालों के लिए। Maybe that they are very weak with their fieldings, but they are very good with their bowling, and they have already took two wickets in their three overs. This is the fourth over, second ball, and again we have a last third wicket. And next batsman, please jaldi aaye. Agar wo 2 minute ke upar crease pe nahi aate to 19 runs ke hisab se out karar diye jayenge. और हम अनुरोध करते हैं बाकी की बैटिंग लाइनअप से कि वो स्कोर बोर्ड के पास आकर खड़े हो जाएं ताकि हम अपना समय बचा सकें। अंपायर की अपील है बैटिंग टीम से कि वो अपने बल्लेबाज थोड़ा जल्दी भेजें। नेक्स्ट प्लेयर इज मिस्टर कुमार सिद्धार्थ, विल बी ऑन द स्ट्राइक। वी हैव लॉस्ट कप्तान उतरते हुए पिच पर। कुमार सिद्धार्थ सुरक्षात्मक तकनीक दिखाते हुए ग्राउंड पे, एंड इस वक्त तीन विकेट के लॉस के बाद आई थिंक यही सही डिसीजन होगा कि वो थोड़ा रुक कर खेलें। बॉल काफी तेज निकल रही है ग्राउंड पे, तेज हवा के कारण बॉल भी विकेट से गिर गई है, बहुत ही तेज हवा है। मुकेश, क्या आपको लगता है कि अगर ये लेदर बॉल से खेला जाता यही मैच तो बॉलर्स को काफी सहायता मिलती सीम और स्विंग के साथ? बॉलर्स को सहायता काफी अच्छी तरीके से मिल रही है, आई डोंट थिंक दे नीड समथिंग मोर देन दिस, बिकॉज फास्ट बॉलर के साथ मीडियम पेस का काफी अच्छा कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं GITM, एंड इससे बैट्समैन परेशानी जरूर हो रही है। शानदार बॉलिंग GITM के कप्तान से। स्कोर कार्ड कुछ रुक सा गया है आफ्टर द लॉस ऑफ थर्ड विकेट मिस्टर निकलेश। सिद्धार्थ trying to hit it across the line, aggressive hota hai bowler yahan par, aggression theek bhi hai Mukesh, aajkal ki generation mein kafi aggression dekha ja raha hai, Virat Kohli unko celebrate nahi karni aati hai century, aap kya kehna chahenge? Kabhi kabhi century banane ke baad aisa hi hota hai, sometimes you need, but aap Sachin ko dekhiye, wo har baar century banane ke baad upar dekhte hain, kitne calm and composed manner se wo apna celebrate karte hain century ko, kya ye justified hai? See, that's always justified. That's justified because cricket एक ऐसा मैच है जहां पे बहुत ज्यादा पेशेंस और बहुत ही ज्यादा तकनीक की जरूरत होती है, और तकनीक का मुजाहरा दिखाया है मिस्टर आरडी ने, एंड काफी अच्छा स्ट्रोक एक रन पूरा करते हुए। बैट्समैन इज रिक्वेस्टेड टू प्लीज कम ऑन द स्कोर बोर्ड एंड प्लीज बी रेडी। काफी अच्छी गेंद सीधे बैट पे आई और मिस फील्डिंग का मुजाहरा दोबारा से किया है GITM की। बॉलर थ्रो दोबारा होते हुए और ये बैट्समैन गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स, एक रन चुराते हुए JKBS की टीम। आउट की अपील यहां पर और अंपायर का इशारा नाक की तरफ। काफी अच्छी रनिंग का प्रदर्शन कर रहे हैं हमारे बैट्समैन, और शायद यही अभी काफी सख्त जरूरी है उनके स्कोर कार्ड को बढ़ते रहने के लिए। काफी अच्छी कर रहे हैं हमारे GITM, बहुत अच्छा रोका है उन्होंने। मिस्टर राजीव रंजन ऑन स्ट्राइक टेकिंग द बॉल, आई थिंक इट विल गो फॉर अ बिग वाइड, सो इट वॉज अ वाइड बॉल डिक्लेयर बाय द एम्पायर। स्कोर बोर्ड इज डूइंग वेल विद द कोऑर्डिनेशन। काफी अच्छी बॉलिंग बीट करते हुए बैट्समैन को।
छोटे मैचों में शायद यही रणनीति काफी अच्छी होती है बिकॉज rather to concentrate on the wickets you need to concentrate on the run rates as well so they have done really well with the ball 24 run काफी अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन एक रन पूरा करते हुए हमारे बैट्समैन 25 रन एंड दिस विल बी द लास्ट बॉल ऑफ द फोर्थ ओवर 25 बॉल 3 विकेट के नुकसान पे काफी हल्के हाथों से स्ट्राइक किया था सिद्धार्थ ने इसे एंड आफ्टर द एंड ऑफ दिस ओवर स्कोर इज 25 रन विद द लॉस ऑफ 3 ओवर्स एट द एंड ऑफ 5 4 ओवर First ball of fifth over. The captain is really doing well with the ball. GITN captain. Batsman को beat करते हुए ये इनके lead bowler नजर आते हैं काफी अच्छी तकनीक का मुजाहरा किया है शायद उन्होंने पहले से ही भाप लिया था कि ये विकेट बॉलिंग के लिए काफी अच्छी है Wide का इशारा अंपायर का और यहाँ पर एक रन जुड़ता हुआ उनके JKBS के स्कोर में Mr. Rajiv Ranjan on the strike. He'll be facing the first ball of this over. बहुत ही शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट्स भाग्यशाली रहे यहाँ पर JKBS के कप्तान बड़े ही छोटे अंतराल से ये बचे हैं अगर ये बॉल सीधी विकेटों पे लगी होती तो शायद मुश्किल में पड़ सकते थे सिद्धार्थ काफी हेवी फुटेड है वो समटाइम्स उन्हें काफी वक्त लगता है इन डिस्टेंसेस को पूरा करने में और अभी उन्हें काफी मेहनत करनी होगी शायद ऑन द ग्राउंड्स टू रियली बी एनर्जेटिक एंड एंथुसियास्टिक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डार्क को देख के मुझे एक बल्लेबाज की याद आती है माइकल हेडन ऑस्ट्रेलिया के वो भी ऐसे ही बड़े हैवी फुटेड हैं और बड़ा ही समय लेते हैं बट एक बार अगर शुरू हो जाता है तो उन्हें रोकना मुश्किल है नामुमकिन हो जाता है लेग बाय एक रन बाय के रूप में एक और रन मिला जेके बिजनेस स्कूल को बीट करते हुए बॉल बट ये वाइड बॉल का इशारा अंपायर का गर्मी का सीधा असर बॉलर के ऊपर अपने लाइन एंड लेंथ को मिस करते हुए बट किसी तरह से सुधारा उन्होंने और दूसरी बॉल की उन्होंने अपने ओवर की यहां पर जीआई टीम की बॉलिंग टीम को चाहिए कि वो काफी शानदार बॉलिंग करे सीधा क्लीन बॉल और सीधे मिस किया और बॉल बेंस को छूती हुई निकली और इस तरह जेके बिजनेस स्कूल अपनी चौथी विकेट को खोते हुए एंड ऑफ दिस 29 रन छठे ओवर की पहली गेंद फर्स्ट बॉल का इशारा भी और वाइट बॉल का इशारा यहां पर देते हुए अंपायर कुलवंत सिंह जी बॉलर को काफी वर्क करना पड़ेगा अपनी लाइन एंड लेंथ को बिकॉज लास्ट ओवर में भी काफी एक्स्ट्रा दिए हैं उनके कप्तान ने यहां पर बॉलर को समझना पड़ेगा कि यह सॉफ्ट बॉल है तो थोड़ा बाउंस इसमें ज्यादा ही रहता है नॉर्मल लेदर बॉल से रन लेने की फिराक में यहां पर आ रही है बच्चे भाग्यशाली रहे और ओवर थ्रो यहां पर और यहां पर लॉन्ग साइड लाइन पे गिरते हुए बल्लेबाज और उन्होंने कॉप अप किया किसी तरीके आ रही है भाग्यशाली रहे यहां पर मिस फील्डिंग यहां पर फील्डर से
थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, कप्तान कोशिश कर रहे हैं बॉलर भी अपनी लाइन एंड लेंथ को बरकरार रखने में। 31 रन हो चुके हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 6.1 ओवर्स विद द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। जेके बिजनेस स्कूल 31 रन, काफी एक्स्ट्रा रन दिए जा रहे हैं। लास्ट ओवर में भी हमने देखा था 4 एक्स्ट्रा दिए थे और ओवर की शुरुआत में ही 2 और एक्स्ट्रा रन। पर बॉलर प्रेशर में दिखाई देते हुए, बट ऐसी प्रेशर की बात भी नहीं है निखिल, क्योंकि रन रेट ऐसी कोई विशेष ऊपर चढ़ नहीं रही है जेकेबीएस की। काफी आसान मैच दिखता हुआ, बट जिस तरह से जीआईटीएम के बॉलर्स अभी प्रदर्शन कर रहे हैं, स्कोर बोर्ड धीरे धीरे थिरकता हुआ 40-50 के ऊपर चला जाएगा और उस समय उनके लिए काफी बड़ी मुसीबत खड़ी है। स्लो बॉल यहाँ पर बैट्समैन को बीट करते हुए वेरिएशन ला रहे हैं बॉलर। ये एक काफी एक्सपीरियंस बॉलर की निशानी होती है कि वो अपनी बॉलिंग स्पीड में वेरिएशन लाते हुए। ओके, दोबारा बीट किया यहाँ पर बैट्समैन को और ये बॉल छूटी है विकेट कीपर के हाथों। फील्डिंग साइड यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है जीआईटीएम की टीम के लिए। जेके बिजनेस स्कूल के बैट्समैन मिस्टर अमनदीप, तीसरी डॉट बॉल, लगातार डॉट बॉल। ये डॉट बॉल यहां पर उनके लिए एक तलवार की तरह है जेके बीएस के लिए। ये आज काफी डॉट बॉल्स देखने को मिले हैं जेके बिजनेस टीम के की तरफ। इसे पता चलता है कि जीआईटीएम ने काफी मेहनत करी है उनकी बॉलिंग टेक्निक को लेकर और काफी अच्छे तरीके से प्ले किया था। And it was a no ball and a big four. So काफी एनर्जी दिखती हुई अमनदीप ने अपने बैट के थ्रू एक अच्छा नो बॉल का इशारा यहां पर अंपायर श्याम जी की तरफ से। So it was a 5-run ball. बड़े ही कड़े अंपायर मालूम पड़ते हैं दोनों अंपायर, बड़े ही एक्सपीरियंस प्लेयर भी रह चुके हैं ये लोग। 37 रन पूरे हो चुके हैं एंड आफ्टर द रनिंग बिटवीन द विकेट रन इट वेंट अप टू 38 रन कंप्लीटिंग 7th ओवर 6th इनिंग। हवा में बॉल उछली और ये क्या काफी अरे आउट का इशारा पहली बॉल पे और इस तरह अमनदीप पवेलियन की दिशा में दौड़ते हुए आए हैं 9 स्ट्राइकर एंड पे जेकेबीएस की तरफ से और 39 रन साथ में ओवर की पहली गेम सॉरी दूसरी गेम। आखिरी ओवर और यहां पर कप्तान सिद्धार्थ को बहुत ही तेज होने की जरूरत। आखिरी गेंद 42 रन बन चुके हैं जेकेबीएस के खाते में और यह आखिरी बॉल इनिंग्स की। अरे काफी अच्छे तरीके से स्ट्राइक कराया और ये काफी अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, काफी अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा और दे रहा है पर दुरुस्त आ रहा है। ओवर थ्रो के रूप में एक रन मिला है उन्हें
और यहाँ पर दो रन. So after the end of the first inning, 45 जीतने के लिए चाहिए 46 रन. 8 ओवर है GITM के पास और अब ये देखना होगा कि वो अपनी बैटिंग को किस तरह से प्रदर्शित करते हैं और ये मैच को किस तरह से जीतते हैं. और जेके हॉकी स्कूल को बहुत अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन करना पड़ेगा क्योंकि एक काफी अंक है एक अच्छी टीम के विरुद्ध. देखना होगा कि वो किस तरह से इस गेम को अपने कब्जे में लेते हैं. एंड श्योरली इट विल बी अ डिलाइटफुल मैच अहेड. दोबारा से रनों को बताते हुए 45 रन अर्जित की जेके बिल्ले स्कूल ने और 46 रनों का लक्ष्य रखा है GITM टीम के विरुद्ध. सिद्धार्थ हमारे लीडिंग स्कोर रनर रहे जेके बीएस की तरफ से. सिद्धार्थ आप क्या चाहेंगे, कैसी बॉलिंग रही और आप? बॉलिंग वेरी गुड. बहुत आई थिंक इट वाज नॉट कमिंग टू माय बॉलिंग गुड. कल ग्राउंड दोबारा प्रिपेयर किया गया तो सिद्धार्थ आपको मुश्किल होना जायज है कि आपको दूसरे ग्राउंड की आदत है, बट ये कल ग्राउंड पिच में थोड़ी इंप्रूवमेंट की है तो सिद्धार्थ बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच. थैंक यू. यहाँ पर सामने वाली टीम के कप्तान मिस्टर सूजा. सूजा आप लोगों से क्या रहा 45 रन, क्या ये ठीक है स्कोर आपके लिए? हाँ ये रन बॉल से कम है, हम चेंज कर सकते हैं स्कोर को, तो देखते हैं क्या होता है. आपको क्या लगता है पिच बैटिंग के लिए सक्षम है या नहीं? ये अगर बॉलर शॉर्ट लेंथ पे रखेंगे तो फिर बहुत हार्ड है चेस करने के लिए. आपने बहुत ही खतरनाक हिंट दे दिया है सामने वाली टीम को. चलो बेस्ट ऑफ लक सूजा. 46 अंकों का लक्ष्य काफी मुश्किल नहीं साबित होगा GITM के लिए. बॉलिंग तो काफी अच्छी की है उन्होंने इस इनिंग में, देखते हैं बैटिंग का मुजाहरा कैसा है उनका. जेके बिजनेस की टीम ऑन द ग्राउंड मेकिंग सम स्ट्रैटेजी फॉर द फर्दर इनिंग्स एंड आई थिंक दे रियली नीड टू वर्क हार्ड दिस टाइम. यहाँ पर स्लो ओवर रेट से बॉलिंग करी है GITM वालों ने. मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं कि अगर आपकी ओवर रेट स्लो है तो ये पेनल्टी को न्योता देगी और यहाँ पर आपके आखिरी दो ओवरों में जितने भी रन बने हैं वो कट सकते हैं. तो मैं बाकी टीमों को सावधान कर देना चाहता हूँ कि वो अपने बल्लेबाज समय पर भेजे और बॉलर्स को भी सही समय पर बॉलिंग करवाए ताकि मैच में देरी ना हो पाए.
काफी अच्छी बैटिंग का प्रदर्शन कर रहे हैं जीआईटीएम के प्लेयर्स। At last, it was a great catch taken by left. काफी अच्छी बैटिंग का प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन after all, hard work pays. और ये दिख रहा है आज जेके बिजनेस की टीम में वो किसी भी हालत में इस मैच को हारना नहीं चाहते हैं। और आफ्टर ग्रेट कैच, नेक्स्ट बॉल ऑफ दिस ओवर, इट इज वाइड, थ्री रन्स विद लॉस ऑफ वन विकेट आफ्टर थ्री बॉल्स, मैं कर लूंगा अभी अपने पास, तीन रन एक विकेट के नुकसान पे पहले ओवर की चौथी बॉल। काफी अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन करते हुए प्रद्युमन प्रताप, वो धीरे हाथों से बॉल को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। पांचवी बॉल पहली ओवर की और इसे घुमा है और देखना यह है कि ये एक बिग बाउंड्री के तरफ जाती है, यानी और जीआईटीओ अपने स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाते हुए सात अंकों तक पांच बॉल के बाद विद लॉस ऑफ वन विकेट। बेहतरीन चौका, पहली गेंद हरे बॉल को चल गया और ये बाउंड्री के बाहर, और ये बाउंड्री के बाहर बहुत ही शानदार शॉट यहाँ पे हरे रंग के बल्लेबाज के द्वारा, छह अंकों के साथ स्टेडियम के बाहर बहुत बहुत चाबी है इन्होंने। फर्स्ट सिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर मैच एंड रियल स्प्लेंडर स्ट्रोक। So after the completion of one over, the total score moves to 13 runs with the loss of one wicket. Now the score doesn't seem so far for GITM. They have proved that they are really a very good team. अपने टीम का उत्साह बढ़ाते हुए GITM के players 13 रनों के ओवरऑल स्कोर कार्ड के साथ एक ओवर की समाप्ति पे एक विकेट के नुकसान पे जीआईटीएम नेक्स्ट ओवर को फेस करने के लिए तैयार है। इट वॉज रियली अ ग्रेट स्ट्रोक, बॉल इज आउट ऑफ द ग्राउंड एंड मीनवाइल वी विल बी कलेक्टिंग बॉल और कमिंग फॉरवर्ड विद द न्यू बॉल। वी मस्ट स्पीक टू आवर umpires that what they think about this